योगी जी, क्योंकि हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टीज़ हैं, वो एनसीआरबी के जो नंबर्स है और डेटा है उनकी बात करें, आपके सामने बस कुछ नंबर्स रखना चाहूँगी। एनसीआरबी का जो 2020 के आंकड़े हैं, उन्हें कहा मैक्सिमम मर्डर्स 3000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुए, किडनैपिंग 12000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुए। इसमें मैं ये भी अग्री करूँगी कि पिछले 8 साल के अगर हम आंकड़े देखें, सबसे कम 2020 में ही हुए, पर ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना है ऑपोजिशन के लिए। एक बात बताइए कि एनसीआरबी के जो मामले हैं, हम भी उसी की तुलना करते हैं। आप जब तुलना करेंगे तो 12 से 17 के बीच में और 17 से 22 के बीच में करेंगे। अगर अपराध के बारे में चर्चा होनी है यूपी में, हमने कितना नियंत्रित किया है, और दूसरा अगर करना है तो फिर हमें आबादी को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। यूपी की तुलना अगर आप गोवा या मणिपुर से करेंगे, क्या यूपी के साथ न्याय होगा? यूपी की आबादी 25 करोड़ की है, दिल्ली की आबादी 2.25 करोड़ की है। आप नंबर उसमें देखेंगे तो न्याय नहीं हो सकता। आपको ये देखना पड़ेगा कि अपराध में कितनी बढ़ोतरी हुई है, या अगर आप राज्यों से तुलना कर रहे हैं तो राज्यों से तुलना करते समय हमें आबादी के रेशियो को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आबादी, यूपी की आबादी 25 करोड़ में, 25 करोड़ में कितने अपराध हुए हैं और 2.25 करोड़ में कितने हुए हैं। बड़ी मजेदार बात है महाराज जी। दूसरा ये है कि अगर हमें अपराध के डाटा को तैयार करना है, अपराध के बारे में तुलना करने, तो 12 से 17 के बीच में होना चाहिए और 17 से 22 के बीच में होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे कि लगातार 17 के बाद से अपराध के अलग अलग प्रकार के उसमें कैटेगरी में कमी आई है। हत्या में, लूट में, अपहरण में, बलात्कार में, अन्य तमाम जघन्य जो अपराध, संगीन अपराध हुए, इन सब में लगातार कमी हुई है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे अपराध तो ऐसे हैं जिनमें पहले यूपी अग्रणी हुआ करता था। याद करिए 2016 में देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने एक डाटा निकाला था और उसमें उन्होंने यूपी के चीफ मिनिस्टर को सबसे सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मा माना था। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका ने निकाला था जिसने 16 में किया था। आज भी देश की कोई भी प्रतिष्ठित पत्रिका या कोई प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप जब यूपी के बारे में चर्चा करता है तो यूपी का चीफ मिनिस्टर देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला चीफ मिनिस्टर बनता है। यही फर्क है 2016 के 17 के पहले क्या था, 2017 के बाद क्या है, ये दोनों में यही फर्क है। और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ यूपी के 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके अपने कार्यक्रमों का